लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई कांग्रेस की ओर से आज वाशिका रिंजा कॉर्नर इमारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जहां प्रभाग 63 के सैकड़ों नागरिकों और युवाओं ने वैक्सीनेशन कराया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, वरिष्ठ नेता अरविंद नाइक, महिला नेता सुदर्शना कौशिक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच सेक्टर 17 के नागरिक वैक्सीनेशन के लिए परेशान थे। उनकी मांग पर यहां वैक्सीनेशन सेंटर चालू करने का निर्णय लिया। अनिल कौशिक ने नागरिकों के अच्छे प्रतिसाद पर खुशी जताई और भरोसा दिलाया कि नवी मुंबई के अन्य इलाकों में भी कांग्रेस की ओर से ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर जल्द शुरू किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने महानगर पालिका टीकाकरण अभियान चला रही है, लेकिन आज भी हजारों लोग हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन नहीं मिल रही। वासी प्रभाग 63 के ऐसे ही नागरिकों की मांग को पूरा करते हुए आज नवी मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने वासी के अरेंजा कॉर्नर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जहाँ सैकड़ों नागरिकों ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। कोविड वैक्सीन लेने वालों में युवाओं और सीनियर सिटीजन्स का सबसे अधिक प्रतिसाद मिला। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि प्रभाग 63 के युवाओं और बुजुर्गों को कोरोना से सुरक्षा मिले, इसी मकसद को लेकर यहां वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। उन्होंने नागरिकों के अच्छे प्रतिसाद पर खुशी जताई और नवी मुंबई के दूसरे इलाकों में भी ऐसा ही वैक्सीनेशन कैंप लगाने का भरोसा दिलाया। वार्ड नंबर 63 के जो लोग हैं उनकी एक मांगनी थी, उनके आशीर्वाद से ये हमने आज कैंप किया और मेन क्या जो यंग बच्चे हैं उनको इसकी ज़रूरत थी। देखिए ऐसा है, वैक्सीन सबको मिलता है मगर एक नेता काम होता है क्योंकि उसको सोर्सेज उसको कॉन्टैक्ट मालूम होता है। ये जवाबदारी नहीं पॉलिटिशियन की होती है, वो जवाबदारी पार पड़ने के लिए इन सब के आशीर्वाद से आज लायंस क्लब वाले दीपक जी भी हैं, अरविंद नाइक साहब है, गिरीश तलेकर है और ये तो हमारी बड़ी बहन माँ है ही, इनके सबके सहकार से आज ये कैंप इधर लगा है। न्यू बॉम्बे के अंदर हाईएस्ट कोविड पेशेंट सेक्टर 17 में थे और सेक्टर 17 को जो जीरो किया सबसे पहले वो भी ये लोग ने किया, इनका मेहनत थी। ये एक मेहनत आज ये रंग लाई है, आगे भी सेवा अपना धर्म है, न जात पर न पात पर, हर आदमी की बात पर सेवा करना हमने निश्चय किया है और ये जो बुजुर्ग लोगों ने सिखाया वो हम लोग कर रहे हैं। न्यू बॉम्बे के हर एरिया में हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते मैं ये चीज की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ वैक्सीनेशन कैंप में नागरिकों का हौसला बढ़ाने महिला नेता सुदर्शना कौशिक और युवा नेता शार्दुल कौशिक खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम महानगर पालिका के जरिए नागरिकों का फ्री वैक्सीनेशन कराना चाहते थे, लेकिन इसके लिए काफी इंतजार करने की जरूरत थी और इसीलिए हमने शीघ्र वैक्सीनेशन के लिए अपोलो हॉस्पिटल की मदद से यह कैंप लगाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दूसरे चरण में प्रभाग 63 के बाकी नागरिकों का भी टीकाकरण करने का इंतजाम करेंगे। महिलाओं की डिमांड थी, ज़्यादातर यंगेस्ट के लिए डिमांड थी कि उनको कहीं वैक्सीन नहीं मिल रहा है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स को टेंशन थी कि हमारे बच्चे बाहर जाते काम के लिए स्टडी के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप अरेंज करवा के दीजिए, तो उनकी डिमांड पर हमने अरेंज करवाया है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आप देख रहे हैं और काफ़ी लोग रह गए हैं, उनके लिए हम सेकेंड कैंप भी लगाएंगे और उनकी सेवा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारी तो इच्छा थी कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता, लेकिन मेन कारण है सेफ्टी,
तो सेफ्टी के लिए हमने ये अरेंजमेंट करके लिया है लोगों की डिमांड पे। सेक्टर 17 और सेक्टर 1-2 प्रभाग क्रमांक 63 है। इधर कोविड वैक्सीनेशन खास करके कोविशील्ड का अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से हमने आयोजन किया है जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक साहब के नेतृत्व में। और इधर क्या था कि सेक्टर 17 में सेक्टर 1-2 में तरुण जो लोकसंख्या है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि उनका बहुत डिमांड था क्योंकि ऑनलाइन उनका किधर पोर्टल में लग नहीं रहा था और बहुत तकलीफ था। तो हमने 2-3 हॉस्पिटल से हमने कॉन्टैक्ट किया जो यहाँ पर लोकल लोगों को आके इधर ही लोकली लगा सके। इसमें अपोलो हॉस्पिटल का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई दिया और महानगर पालिका ने परमिशन दिया और आज हम इधर कैंप ले रहे हैं। वहीं प्रभाग 63 के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि वे मनपा और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए चक्कर लगा रहे थे लेकिन टीकाकरण नहीं हो सका। फिर उन्होंने जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक से मांग की जिनकी पहल पर आज उनका टीकाकरण हो सका है। नागरिकों ने कहा कि कैंप का सबसे अधिक लाभ सीनियर सिटीजन और युवाओं को मिला है जिनके लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी था। नागरिकों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के प्रति आभार भी जताया। आज जो ये काम करते हैं कोई भी नहीं कर सकते। आज कोविड वाले को लेके कौन जाएगा बोलो, सब भाग जाते हैं ना। मगर ये आदमी, ये इंसान खुद उसको गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। आज कुछ नहीं मिला इंजेक्शन, सीधा कौशिक साहब को फ़ोन करो, आधी रात को फ़ोन करेंगे, आधी रात को फ़ोन उठाते, आज कौन उठाएगा। ये भी यंग है, ऐसे नहीं है कि बूढ़े हो चुके हैं, पर जो मेहनत करते हैं सैल्यूट करना चाहिए उनको। हम लोगों ने अप्सरा में ये फैसला किया कि जो हमारे हेल्प्स हैं, एसोसिएट्स हैं, मेड्स हैं, हम उनका पूरा टीकाकरण कराएं ताकि सो दैट दे आर सेफ एंड वी आर सेफ। सो वी स्टार्टेड दिस ड्राइव इन अवर सोसाइटी। मैंने खुद कोशिश की थी कि अपोलो में जाके मैं ये करा दूँ लेकिन मैं नाकाम हुआ। मैंने एक हफ्ते ट्राई किया, कोशिश किया, हमारे यहाँ पर 4-5 सोसाइटी थी उनको मैंने एकत्र कर दिया तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस अपोलो रियली डिडंट रिस्पॉन्ड टू अस। देन आई वाज ऑफर्ड दिस मिस्टर अनिल कौशिक, मैं कौशिक जी व्हाई डोंट यू हेल्प, ही केम फॉरवर्ड इन अ बिग वे एंड ही ऑर्गेनाइज दिस कैंप। हमें सामने आके उनका वैक्सीनेशन कराना बड़ा ज़रूरी है, उसमें आई एम रियली थैंकफुल टू कौशिक जी दैट ही ऑर्गेनाइज दिस कैंप। ही इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गेनाइजर एंड अ वेरी गुड पर्सन, वी थैंक हिम एंड वी आर प्राउड ऑफ। अनिल जी कौशिक ने आज जो सेक्टर 17 की मांग थी वैक्सीनेशन की उसको लेकर के बहुत अच्छा कदम उठाया है। अनिल कौशिक जी ने किसी का भी फ़ोन आए आधी रात को भी तो उन्होंने कभी किसी को हॉस्पिटल में बेड दिलाया है, कभी किसी को कुछ और व्यवस्था करनी है एम्बुलेंस की, बहुत अच्छे से की है। तो हम अनिल कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी भी टाइम वो हमारा फ़ोन लेते हैं और हमें जो चाहिए वो हम उसी की आपूर्ति कर देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।